ऑफ ए बॉडी यानी स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स टाइम पर डिपेंडेंट है और कॉस का फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक है, मतलब SHM है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सलेशन टाइम। अब एक्सलेशन टाइम ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ कैसे बनाओगे एक्सलेशन टाइम? जब इक्वेशन निकालोगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इतना है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dx ओवर dt। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a ओमेगा और cos का बोलो sin ओमेगा t। दिस इज द डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dv ओवर dt। एक बार इसको डिफरेंशिएट करें और ये माइनस आएगा ना भाई, cos है ना तो माइनस, तो ये इसको माइनस ए और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। दिस इज द एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये जो ग्राफ है वो कॉस का ग्राफ है यार, माइनस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है, ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ। अगर एक्सलेशन और टाइम में अगर ग्राफ बनाया जाए तो एक्सलेशन जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन निगेटिव था, जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन निगेटिव था, तो ये कभी सही हो, ये कभी किसी ज़माने में सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता। जब टाइम जीरो था तो एक्सलेशन पॉजिटिव है, ये कभी सही नहीं हो सकता, मतलब यही सही है, ठीक है। वैसे भी यार कॉस निगेटिव का ग्राफ आपको पता होगा, कॉस पॉजिटिव का ग्राफ कैसा आता है बना दूँ एक बार? कॉस थीटा का ग्राफ दैट इज ये जो सुंदर सा ग्राफ होता है वाई और ये थीटा, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ऐसा आता है। जब कॉस थीटा जीरो है तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम है जो कि प्लस वन है, और वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का ग्राफ निगेटिव, यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ। तो ये माइन इसका है जो हमें चाहिए और ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा का येलो वाला, तो इस टाइप से कुछ ग्राफ आता है। यू नीड द बेसिक मैथमेटिक्स SSM को पढ़ने के लिए, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है